मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पर कार्रवाई करे, ऐसी मांग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से आयोजित पत्रकार परिषद में की गई। घुघुस नकोड़ा के एसीसी सीमेंट कंपनी के सीमेंट बैग जो नॉट फॉर सेल लिखे हुए है, उस कंपनी व्यवस्थापन व ठेकेदार राजू रेड्डी इनके मिली भगत से खुले मार्केट में बेचने की चोरी पकड़ी गई, फिर भी उन पर पुलिस थाने में अपराध दर्ज नहीं हुआ। इसकी उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने संदर्भ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से पत्रकार परिषद ली गई। पत्रकार परिषद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला संगठक राजू कुकड़े ने इस संदर्भ में बताया। सीमेंट कंपनी के नॉट फॉर सेल जो सीमेंट बैग जो है, उसकी जो चोरी पिछले 2018 में हुई थी, उसकी जो कंप्लेंट जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से जिला पुलिस अधीक्षक के तरफ की थी, और उसमें कॉन्ट्रैक्टर पर और जो जिसने जो बैगा ली उनके ऊपर गुनाह दर्ज हुआ था, और वो प्रकरण में जो है बड़ी पैमाने पर जो है वो नॉट फॉर सेल सीमेंट बैग की चोरी होने के चलते सीआईडी इंक्वायरी करनी चाहिए, इस प्रकार की मांग हमने तत्कालीन जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की थी, और उस बार वो सीआईडी इंक्वायरी भी हुई, और करीबन 3.5 साल के बाद उसी प्रकार के नॉट फॉर सेल सीमेंट बैग जो है एमआरडीसी परिसर में कोसारा जो गांव है उस गांव के नज़दीक में जो है बैगा पड़ी हुई है। इसका मतलब आज भी ऐसी सीमेंट कंपनी के अधिकारी और वहां के जो कॉन्ट्रैक्टर जो है इनकी मिलीभगत से वहां का जो है नॉट फॉर सेल सीमेंट का जो है पूरा माल बाहर में बेचा जा रहा है, और ये सार्वजनिक संपत्ति है। नॉट फॉर सेल सीमेंट बैग जो है प्राइवेट काम के लिए इस्तेमाल नहीं होती, वो गवर्नमेंट के कामकाज में इस्तेमाल होती और वो कंपनी के कंस्ट्रक्शन वर्क में वो इस्तेमाल होती, लेकिन उसके बावजूद अगर प्राइवेट अगर किसी प्लांट पर अगर वो सीमेंट नॉट फॉर सेल सीमेंट बैग पड़ी हुई है, इसका मतलब बड़े पैमाने पर इसी सीमेंट कंपनी का जो नॉट फॉर सेल सीमेंट का बैग का जो है माल जो है परस्पर जो है चोरी किया जा रहा है, और इसलिए इन अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के ऊपर जो है चोरी का गुनाह दर्ज किया जाए, इस प्रकार की मांग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से आज पुलिस अधीक्षक को जो है दी गई तकरार के अनुसार हमने की।